होती है और ये भी पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ये लगातार मिलना, चर्चा करना जरूरी भी है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना महामारी को समय बीत रहा है, नई नई परिस्थितियां भी पैदा हो रही है। अस्पतालों पर दबाव, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर दबाव, रोजमर्रा के काम में निरंतरता का न आना पाना, ये हर दिन एक नई चुनौती लेकर आते हैं। मुझे संतोष है कि हर राज्य अपने अपने स्तर पर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। इतने बड़े संकट को जिस प्रकार से हमने मुकाबला किया है, उसमें सबका साथ मिलकर के काम करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 80% एक्टिव केसेस हम जो आज मिले हैं इन 10 राज्यों में है और इसलिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। आज देश में एक्टिव केसेस 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में ही है। इसलिए ये आवश्यकता लगी कि इन 10 राज्यों के एक साथ बैठ करके हम समीक्षा करें, चर्चा करें और उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उन्होंने किस किस प्रकार के नए इनिशिएटिव लिए हैं, वे सबके ध्यान में आए, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से प्रयास कर ही रहा है और आज की इस चर्चा से हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को समझने को मिला है। कहीं न कहीं ये एक भाव आज निकल कर आया है कि अगर हम मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। साथियों, टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। इससे संक्रमण को पहचानने और रोकने में जो मदद मिल रही है, आज हम उसके परिणाम देख रहे हैं। हमारे यहां एवरेज फर्टिलिटी रेट